नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ टायर्स। टायर्स कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है, टायर जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, हमेशा ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी अपनी एक ब्लैक कलर में क्या है, गाड़ी खड़ी भी रहती है आपकी धूप में भी, या रोड के हिसाब से, लोड के हिसाब से, सब कुछ डिजाइन करके ही उसको ब्लैकिश दिया जाता है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल ज्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, बाकी आप हमारी बैक वीडियो देख सकते हो, उसमें सब बताया गया कि क्यों काला कलर होता है टायर का और उसके ऊपर थ्रेड्स क्यों कटे होते हैं, हर चीज का लॉजिक होता है। तो आइए एक बार टाइप से समझ लेते हैं कितने प्रकार के टायर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली टायर्स होते हैं दो तरह के, कौन सा, सॉलिड टायर, दूसरा होता है न्यूमेटिक टायर। अब आता है सॉलिड टायर। ठीक है, तो सॉलिड जो टायर होता है ये बेसिकली बच्चों की साइकिल में यूज होता है। बच्चों की साइकिल आपने देखी होगी, वो साइकिल कैसी होती है, एक हार्ड सा व्हील लगा होता है उस पे, रबड़ का। ठीक है, सॉलिड व्हील बेसिकली चिल्ड्रंस की साइकिल पे यूज होता है, जो मोटा गद्देदार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गद्देदार प्रभाव नहीं होता है, वैसा वाला कि फ्लक्चुएशन हो, सिर्फ ये बच्चों की साइकिल को रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी रेदर देन न्यूमेटिक्स टायर। अब आते हैं हम दूसरा, न्यूमेटिक्स टायर। न्यूमेटिक्स नाम से पता चला, न्यूमेटिक्स मीन्स क्या होता है, हवा। ठीक है, हवा के प्रभाव से जो चल रही है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेटिक्स, एयर ऑपरेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको न्यूमेटिक्स की कैटेगरी होती है, ये उसमें आती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक्स हो गई, न्यूमेटिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ड्राइव हो गई, फास्टनर्स की कैटेगरी अलग होती है, लुब्रिकेशन की कैटेगरी अलग होती है। तो ये जो आपकी न्यूमेटिक्स की कैटेगरी होती है, ये होती है जितने भी एयर ऑपरेशंस होते हैं, वो जो जितने भी हो रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, न्यूमेटिक्स में। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना। अब एयर भरी जा रही है उसमें, इसमें भी न्यूमेटिक्स की कैटेगरी में दो है, कौन सी, एक तो हो गया आपका टायर विद ट्यूब, दूसरा हो गया ट्यूबलेस टायर। ठीक है, दो कैटेगरी है, टायर विद ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर। अब टायर विद ट्यूब में आपने देखा होगा, इस टायर के अंदर अंदर से क्या निकलता है, इसके अंदर से एक ट्यूब बनी होती है, इसके अंदर, इस ट्यूब में हवा भरी जाती है, यहाँ पे एक बीच में एक निप्पल्स होती है, निप्पल के थ्रू यहाँ पे पंप, न्यूमेटिक जो पंप होता है उसके थ्रू यहाँ एयर भरी जाती है इसके अंदर। अब ये टायर है, टायर के अंदर यहाँ से जगह खोखली होती है, उसके अंदर ट्यूब को घुसेड़ा जाता है, फिर पंप से, जो आपने देखा होगा साइकिल में हवा भरते हैं, ये यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू, अब इसको वो पुश करेगा नीचे को, तो इसमें हवा जाएगी टायर के अंदर। जो नॉर्मली आपने देखा है पंक्चर की दुकानों में, वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, वो टायर में हवा भरते हैं। तो ये हो गया आपका ओल्ड ट्रेडिशनल है, टायर विद ट्यूब क्या है, ओल्ड ट्रेडिशन। अब आज के केस में क्या आ गया, टायर विदाउट ट्यूब, मतलब ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में क्या होगा, नॉर्मल टायर ही होगा, यही वाला, इसमें ट्यूब नहीं होगी, ये फुली पैक्ड होगा। ये इसकी अपेक्षा मोर पावरफुल होता है, इन द सेंस कि हवा तो इसमें भी भरी जाती है, बट इसमें ट्यूब नहीं होती है, इसमें पंक्चर होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक निश्चित वॉल्यूम के साथ जब टायर दौड़ता है, तो इसकी टायर की जो बनावट है वो इस तरह से होती है कि उसमें नॉर्मली जो पंक्चर्स हैं वो कम होंगे, वो मोटाई ज्यादा होती है। और इसमें क्या है, सीधा अगर यहाँ से कील लगी, अगर मान लो यहाँ से पंक्चर हुआ, वो अंदर वाली ट्यूब को फाड़ देगा। अब ट्यूब फटी, रोक ब्रेकडाउन में आ गया, गाड़ी रुकी, मान लो आप कहीं इमरजेंसी जा रहे हो, इमरजेंसी जहां आपका पहुंचना, समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है, बट क्या होता है, सडनली ऐसा होता है कि कोई कील आती है आपके टायर में घुस जाती है, उस केस में क्या होगा, आपको नियर बाई पंक्चर की दुकान ढूंढनी पड़ेगी, पंक्चर लगवाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपकी उस इमरजेंसी कंडीशन में जहां पहुंचना है वहां समय पे ना पहुंचो तो कितना दुख होता है। तो इसलिए ये ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशन था, पुराना ही वे था, जिसकी वजह से अपडेट करना पड़ा हमें ट्यूबलेस टायर की तरफ।
जिसमें पंक्चर्स का रेशियो है, जो चांसेस है वो उसकी अपेक्षा कम है। ठीक है, इसमें नॉर्मल ही टायर है, सीधा पंप से हवा भरो और ले जाओ। तो आज हमने वीडियो में क्या समझा, सॉलिड टायर, न्यूमेटिक टायर, टायर के टाइप्स। तो आज के टॉपिक में मोटा मोटा इतना ही। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल लाइन में हैं, तो अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके टेलीग्राम के चैनल है, जो भी आपकी कम्युनिटी है जो मैकेनिकल लाइन की है, उसमें इस चैनल को के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये ट्रांसफर होती रहे। नॉलेज एक जगह स्टेबल नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसफर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें बुक खोलने का टाइम नहीं होता, बुक हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, वीडियो आप देख लोगे चलते हुए, ट्रैवल करते हुए, तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ आएंगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। देखो, कभी भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो आरती होती है उसको कभी रटते नहीं है, वो सुन सुन के आती है। जब आप वीडियो को सुनोगे देखोगे तो वो ज़्यादा कैच पावर होगा और एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाओगे। तो आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।